मत सोचना कि कयामत के दिन हुजूर की शफात तो हो ही जाएगी। किसके लिए शफात? ईमान वालों के लिए है, ईमान वालों के लिए है, इस्तेकामत के साथ जमे रहे उनके लिए है। आपको पता है कब्र में तीन सवाल होते हैं, सबने सुना है कि नहीं सुना? सबसे पहला सवाल है मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा रब कौन है? सवाल क्या है वो मैं पूछ रहा हूँ, जवाब आपसे नहीं पूछ रहा। तुम्हारा रब कौन है? फरिश्ते पूछते हैं, आप जवाब क्या देंगे? मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल है तेरा दीन क्या है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? आप जवाब क्या देंगे? मेरा दीन इस्लाम। अब सुनो फर्क, तीसरा सवाल क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। पहले दो सवालों में ये पूछा गया तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, है का लफ्ज है, और तीसरे सवाल में पूछा जा रहा है मा कुंत तकुलु फी हक हादर रजुल, हुजूर को दिखाकर फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। आपकी पैदाइश जब हुई थी आपके कान में मौजिन ने सबसे पहला जुमला क्या कहा था? अजान देते हैं कि नहीं बच्चा पैदा होने पर? बोलो जोर से, क्या कलमा था? अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। और उसके बाद जिस दिन तुम मरते हो कफन पहना करके जनाजा लाकर रख दिया जाता, इमाम तुम्हारे जनाजे पर तकबीर उठाकर सबसे पहले क्या कहता है, क्या कहता है? हम इस दुनिया में आए थे अल्लाह अकबर सुन करके, दुनिया से जा रहे अल्लाह अकबर सुन करके। यकीदा है इस दुनिया में हम मुसलमान अल्लाह से बड़ा किसी को नहीं मानते। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इस ईमान के साथ जियो मेरे अजीजों। आपको पता है आज के हालात में लोग तुम्हें ये कहेंगे, सब आधा इधर आधा उधर करके चलो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन की बात है। कुछ पीर लोग भी आए, कुछ मौलवी लोग भी आए, जरा इनका भी दिल रख लो, जरा इनका भी दिल रख लो। एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती। आप इस बात को याद रखो, इस्लाम पर हो तो इस्लाम पर पूरे के पूरे उतर जाओ। और पूरे के पूरे उतरने का मतलब यह है किसी की खुशामदी और किसी की चापलूसी के लिए हम नहीं जीते। हमने देखा है उन सियासी नेताओं को बेचारे 40-40 साल उनकी ज्योतियां उठा करके नौकरी करते रहे, बूढ़े हो गए तो पार्टी ने निकाल दिया, निकाल दिया, और पता नहीं कौन सी दर्शन मंडली में बिठा दिया गया है। इनका हाल ये है। लेकिन हुजूर की गुलामी में जो आलिम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ाई जाती है। मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जो जितना बूढ़ा हो जाए इज्जत बढ़ती चली जाती है। इसलिए एक बात याद रखो, दुनिया तुम्हारे खुशामद करने से कभी राजी नहीं होगी, ये कभी राजी नहीं होंगे, हमने देखा है। लेकिन आओ मेरे मुस्तफा के दरबार में एक दुरूद से राजी हो जाए। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। इसलिए राजी करना हो तो इस एक दरबार में जिसको आला हजरत ने कहा है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे खयामत में अगर मान गए, कल न मानेंगे खयामत में अगर। मैं जो अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं इस बात पर, एक बहुत बड़ी बात है। आज तुम क्या कर रहे हो इसी का एतबार है, आज क्या कर रहे हो इसी का एतबार है। ये मत सोचना कि कयामत के दिन हुजूर की शफात तो हो ही जाएगी। किसके लिए शफात? ईमान वालों के लिए है, ईमान वालों के लिए है, इस्तेकामत के साथ जमे रहे उनके लिए है। आपको पता है कब्र में तीन सवाल होते हैं, सबने सुना है कि नहीं सुना? सबसे पहला सवाल है मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा रब कौन है? सवाल क्या है वो मैं पूछ रहा हूँ, जवाब आपसे नहीं पूछ रहा। तुम्हारा रब कौन है? फरिश्ते पूछते हैं, आप जवाब क्या देंगे? मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल है तेरा दीन क्या है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? आप जवाब क्या देंगे? मेरा दीन इस्लाम। अब सुनो फर्क, तीसरा सवाल क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। पहले दो सवालों में ये पूछा गया तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, है का लफ्ज है, और तीसरे सवाल में पूछा जा रहा है मा कुंत तकुलु फी हक हादर रजुल, हुजूर को दिखाकर फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। ये नहीं क्या कहता है, पहले दो सवालों में पूछा गया कौन है रब, क्या है दीन, लेकिन हुजूर के बारे में कह रहे क्या कहता था। अब क्या कहता है वो तो हर कोई कहेगा हुजूर को देखकर कि ये आका है, ये मौला है,
हुजूर के जलवों को देख करके फिर हर कोई मान ले जाए, उस वक्त मानना एतबार नहीं होगा। इसीलिए फरिश्ते क्या पूछें, क्या कहता था, इसीलिए आज के दौर में क्या कहते थे, इसी का एतबार होगा। ऐ सुन्नियों, कब्र के अंदर वो सुन्नी गुलाम मुस्तफा मचल करके कहेगा हुजूर के बारे में क्या कहता था। वो अपोजिशन वाले हैं जो डर जाएंगे, हुजूर के बारे में जवाब नहीं दे सकेंगे, जवाब नहीं दे सकेंगे, वो डर जाएंगे। क्या कहते थे उनको पता है, यही तो कहते थे पीठ पीछे का इल्म नहीं, यही तो कहते रहे माज अल्लाह बच्चों के इल्म के बराबर, ये सब बोलते रहे, वहां कब्र में क्या बोल पाओगे। हाँ, सुन्नी गदा कहेगा, ऐ फरिश्तों अब तो पाए नाज से, ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। हुजूर के बारे में क्या कहता था, यही तो कहता था सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्म ऐ बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बस मेरी गुफ्तगु खत्म हो गई इस बात पर कि अब जीना है तो इस्लाम पर खुल करके अमल करना होगा, अमल करेंगे इंशाल्लाह और ये नारा लगाएंगे, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अहबाब अहल सुन्नत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरे तमाम नाज़रीन, मेरे तमाम व्यूअर्स ने, जैसे कि अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, समाअत किया, तो इस वीडियो में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बहुत ही अच्छा बयान दिया। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वीडियो जो शूट हुई है, ये 27 जनवरी अम्बरनाथ में ये वीडियो शूट हुई, तो उसके कुछ अंश मैंने आप लोगों को दिखाए। तो मेरे तमाम नाज़रीन से, मेरे तमाम व्यूअर्स से मेरी ये दरख्वास्त है कि जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं, मेरे तमाम नाज़रीन, मेरे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर पासा एक्ट लगा और क्या क्या मामलात हुए वो आप सब जानते ही हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे तमाम जो नाज़रीन और मेरे तमाम जो व्यूअर्स हैं, वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हक में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें ताकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पासा एक्ट जो लगा है उसे जल्द से जल्द रिहाई मिले और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो है जल्द से जल्द हमारे बीच में आ जाएं। आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप जब भी दुआ करें नमाज के बाद या कुरान तिलावत के बाद या दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, जब भी आप दुआ करें तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हक में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें ताकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।